गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं थोड़ा सा डिजिटल तो थोड़ी बहुत बात करूंगा, बहुत ज़्यादा डिजिटल तो हम लोग करते नहीं, बट फिर भी आई थिंक वी हैव डन अ बिट इन द लास्ट फ्यू इयर्स। मैं थोड़ा सा इकोसिस्टम पे बात करना चाहूँगा। लास्ट ईयर भी मैं यही करके गया था, इस बार भी यही करूँगा, क्योंकि मैं अक्सर सोचता हूँ कि roti.com लिखने से तो रोटी मिलेगी नहीं, आपको काम तो करना पड़ेगा। दूसरा, जब आज के टाइम की हम विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो तो नॉन इश्यूज़ पे काम करते हैं, वो तो आइडेंटिफाइड ही नहीं है। और अब क्योंकि पैसा बहुत सारा कॉर्पोरेट सेक्टर के पास आ गया है, CSR के पास आ गया है, उनमें से बहुत सारे लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो या तो गुड़गांव में हैं या गचीबावली में हैं, जो हैदराबाद का IT हब है, जबकि प्रॉब्लम्स मैं मान के चलता हूँ हिंदुस्तान की, देश के बहुत दूर दराज के इलाकों में। तो शायद यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है वो जो विजिबिलिटी वाला बात है, या हमारी अपनी बात को कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक तरीका है कहने का, बट सच बात ये भी है कि सबके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो झारखंड के गांव में जाएंगे या बिहार के उस रिमोट गांव में जाएंगे और ये ढूंढ के आएंगे कि वहाँ पर कौन एग्जिस्ट करता है और वहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। शायद उसके लिए ये सब बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। बट बिफोर आई कम टू दैट, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन द डेवलपमेंट सेक्टर टू मेक श्योर दैट वी आर रिस्पेक्टेड। आई थिंक वॉट इज़ लैकिंग टुडे, जो कमी महसूस होती है हम सब लोगों को, कि हम सब लोग जितने लोग यहाँ डेवलपमेंट सेक्टर के लोग बैठे हुए हैं, हम जिंदगी भर सिर्फ अपने को ईमानदार प्रूव करने में बिता देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। एक कोई कंपनी है जो कोई मलम बनाती है दर्द निपटाने का, वो कहती है 99% डॉक्टर यूज़ करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। एक कोई और कंपनी है, वो एक चम्मच कुछ खिलाती है, वो कहती है बच्चा बड़ा हो जाता है, कोई कुछ नहीं कहता। एक और आए, उन्होंने कहा डायपर पहनने से रात में बच्चा बढ़ जाता है, तब भी कुछ नहीं होता। आप कहते हैं 3.1 मिलियन NGOs, मैं कहता हूँ भाई लिस्ट दिखा दो, सर्वे जो आप कर रहे हैं इतने सारे उसकी लिस्ट तो दिखाओ कि वो 3.1 मिलियन NGOs हैं कौन से। 1860 का एक्ट है ये तो, और उसमें भी इतने सारे, मेरे ख्याल से BCCI भी शायद NGO की तरह ही रजिस्टर होगा, सारे बड़े बड़े स्कूल भी NGOs की तरह रजिस्टर्ड हैं। आपको यदि 40 घंटे के बच्चे का सर्टिफिकेट चाहिए तो NGO, CSR करना है NGO, गवर्नमेंट को स्कीम लॉन्च करनी है NGO, गाली देनी है NGO। तो मैं बड़े दुविधा में हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग क्या कर रहे हैं, आपको बहुत आसान है कहना कि NGO फ्रॉड है, और मैं लोगों से कहता हूँ सारे NGOs के सारे फ्रॉड मिलाओ सत्यम के बराबर नहीं होगा। लेकिन सवाल यहाँ दूसरा है। सवाल यह है कि दो तरीके हैं काम करने के, एक हम सामने वाले को गिरा दें और दूसरा हमको ढंका कर लें खुद। ये सब बातें अच्छी लगती हैं, हम इस पर ताली बजाते हैं, बट सच ये भी है कि हम अपने को ट्रांसपेरेंट बनाने में नाकामयाब रहे हैं। यदि हमारी नीयत साफ है, यदि हमें कुछ गड़बड़ नहीं करनी, तो हम क्यों नहीं खुल के दबंगों के बात करते। सवाल यह है क्यों कोई भी कभी भी किसी ना किसी रूप में हम पे अटैक करता है, हमारे बारे में उल्टा बोलता है। अभी एक मिनिस्ट्री में इस अवार्ड के बाद मुझे बुलाया गया, एक IRS ऑफिसर साथ में बैठे थे और भी लोग बैठे थे, तो उन्होंने एक बात, सबसे पहली बात मुझे देख के बोली कि साहब अंशु जी, एक बात है कि सरकार, कोई भी सरकार NGOs को पसंद नहीं करती। तो मैंने उनको मुंह पे बोला, मैंने कहा साहब बहुत सारे NGOs सरकार को पसंद नहीं करते, उनमें से एक हम हैं। अब ये बात सरकार और NGOs की नहीं है, ये बात ये है कि हम एक दूसरे के रोल को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम लोग जब भी बात करते हैं, हम कॉर्पोरेट वर्सेज NGOs या गवर्नमेंट वर्सेज NGOs पे आ जाते हैं, जो मैं भी अभी पिछले कुछ देर से वही बातें बोल रहा हूँ, बट आई थिंक इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू करेक्ट अवरसेल्स। जो लोग फालतू क्लेम कर रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं बहुत आसान है 100,000 लाइव्स चेंज्ड ऐसा कहना, मैं कहता हूँ यार तुम कहते हो 1,00,000 जिंदगी बदल दी, यहाँ पूरी जिंदगी लग के अपनी जिंदगी नहीं बदली जाती। बट इट इज़ सो ईजी टू पुट इट इन अ प्रेजेंटेशन, इट इज़ सो ईजी टू से वी हैव अडॉप्टेड 500 विलेजेस 200 विलेजेस। मैं कहता हूँ यदि एक बच्चे को इस देश में अडॉप्ट करते तो पूरी जिंदगी निकल जाती है आपकी। आप कैसे सोचते हो कि दो स्कूलों में काम करके 4 हैंडपम्प लगा के आपने गांव को अडॉप्ट कर लिया। हैव वी एवर गॉन बैक टू द विलेज पीपल एंड हैव टोल्ड देम कि भाई हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। कभी किसी गाँव वाले से बोल के देखिएगा कि हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, दत्तक ले लिया, वो बताएगा आपको। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि ये वोकेबलरी चेंज हो, ये भाषा
बदले। ये भाषा तभी बदलेगी जब हम में कन्विक्शन होगा, जब हम में कहीं ईमानदारी होगी, जब हम थोड़ा करेंगे और थोड़ा ही दिखाएंगे। दो ही तरीके हैं देखिए इस बात में भी, कि या तो आप काम के बारे में बोलें और दूसरा काम आपके बारे में बोले। हमारे जो ये डिजिटल की बातें आज हो रही हैं, मुझे अभी तक याद है 1998 में जब हमने नौकरी छोड़ी थी एस्कॉर्ट्स की और गूंज शुरू किया था, तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, मिनी माई वाइफ वॉज वर्किंग विद बीबीसी, तभी शायद मैं छोड़ पाया था, और एक पीएफ का पैसा था, कोई 60-70 हज़ार रुपये होगा, कोई बहुत साल नौकरी भी नहीं की थी। और हम लोगों की स्टोरीज गूंज की बड़ी इमोशनल हैं, बट कहानी जो पूरा काम है वो तो सारा लॉजिस्टिक्स है। दो ट्रक का खर्चा दिया नहीं कि आपका पीएफ का पैसा ख़त्म। 286 करके एक कंप्यूटर होता था, उसामा तो अच्छी तरह बहुत सारे लोग हम जानते हैं, उसमें ऐसे टाइप करते थे, बाद में वो मोनोक्रम से ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर में थोड़ी देर के बाद डॉट 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 आया करते थे। उस समय में वो 13,500 रुपये का था और बड़ी मुश्किल से पैसा तैसा जोड़ के हम लोगों ने वो ख़रीदा था। लेकिन हमने सिर्फ एक ही बात पर ध्यान दिया, हमने बहुत साल तक, जबकि हम मीडिया से आ रहे थे, हमने मीडिया को आसपास नहीं आने दिया किसी भी हाल में। हम सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते रहे, शांति से करते रहे, सीखते रहे, गलतियां करते रहे। हमने अपने पिलर्स स्ट्रांग करने की कोशिश की। आज हम लोग एक फेसबुक पे रन करते हैं, फेसबुक का मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा बिफोर आई लीव, एक 100 स्टोरीज ऑफ चेंज करके हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। आप थोड़ा कभी जाएं हमारे फेसबुक गूंज के पेज पे तो उसको देखेंगे। जब हमने उसको लॉन्च किया तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स ने उसको देखा देखी शुरू कर दिया कि भाई वो भी 10 स्टोरीज ऑफ चेंज, 50 स्टोरीज ऑफ चेंज करेंगे, बट द फैक्ट रिमेंस कि वो 2 स्टोरी के बाद उसको नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं समझे कि ये 16 साल का बहुत हार्डकोर काम है और 100 स्टोरीज ऑफ चेंज को डॉक्यूमेंट करने के लिए हम लोग 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। हम एक एक उस जगह पर वापस गए हैं देखने के लिए कि जहाँ 4 साल पहले सुंदरबंस में हम छोटे से प्लांटेशन करके गए थे, वो प्लांटेशन अभी है कि मर गया। तब वहाँ जाके आपको पता लगता है कि ये तो 1,00,000 स्क्वायर फीट के मैनग्रोव में कन्वर्ट हो गया है। 4 साल लगे उस स्टोरी को चेंज होने में, क्रिएट करने में, और 2 साल हमको लगे उसको समझने और उसको डॉक्यूमेंट करने में। तो डिजिटल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी विजिबल, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम कॉजेज की बात कर सकें, स्पेशली उन चीज़ों की बात कर सकें जो कॉज में नहीं आते। बच्चों पे काम कर रहे हैं आपको फंडिंग मिल सकती है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं आपको फंडिंग मिल सकती है, डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स हैं, रूरल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वाटर पे काम कर रहे हैं प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे काम कर रहे हैं प्रॉब्लम्स हैं, राइट्स वाइट्स की तो हम बात ही नहीं करते, बाकी बहुत सारे इशूज़ हैं जिनकी जिन पर प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कंटेंट हो, हमारे पास एक हमारे पिटारे में कुछ काम हो जिसको हम लोगों को कह सकें कि साहब ये काम है और इसकी ये इम्पोर्टेंस है, देश के इस हिस्से में इस काम का ये प्रभाव पड़ा है, तब कहीं जाके वो चीज़ें बदलेंगी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि वी मस्ट गेट इनटू दिस एंटायर यू नो गेम ऑफ डिजिटाइजिंग अवर वर्क, रीचिंग आउट टू मोर एंड मोर पीपल, बट विथ सॉलिड कंटेंट। हम लोगों ने अभी फेसबुक पर, आप कभी जाइएगा, बहुत एक एक जो उसका पैराग्राफ होता है, एक एक स्टोरी जो हम लोग डालते हैं या करते हैं, वो 20-50 स्टोरीज में एक सेलेक्ट करके डालते हैं और उस पर इतनी रिसर्च करते हैं टू एंड फ्रो, बार बार कम्युनिटी के पास जाके, एक यदि छोटा सा किसी का नाम भी लिखते हैं, किसी गांव का नाम भी लिखते हैं, क्योंकि 21 स्टेट में काम फैला हुआ है अभी हम लोगों का, हम उस पर बहुत मेहनत करते हैं, तभी वो स्टोरी पिकअप करती है, वो स्टोरी लोगों को इंस्पायर करती है। हर एक स्टोरी की वजह से बहुत सारे नए लोग हमसे जुड़ते हैं। जब हमने अभी डिज़ास्टर पे बहुत एक्सटेंसिवली काम शुरू किया, तो अभी फेसबुक ने एक्चुअली गूंज को चूज़ किया एज ए केस स्टडी। तो फेसबुक एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ चोजन गूंज टू डू ए केस स्टडी कि डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के टाइम में आप कैसे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और कैसे आप सोशल मीडिया का बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से कभी किसी ने गूंज से एक भी मेल ऐसी नहीं देखी होगी कि हमने ये कहा हो कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए या आप हमारे ट्विटर को ज्वाइन कीजिए। हमारे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स भी आज तक हमारी फेसबुक पेज पे नहीं गए, क्योंकि हमको लगा कि इसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होने दीजिए। एक होता है लाइकर और दूसरा होता है प्रोफेशनल लाइकर, तो प्रोफेशनल लाइकर से हमें बचना पड़ेगा। ऐसा हम गलत फहमी में ना रहें, जो अभी आपने भी कहा कि जब हम पर्सनल फेसबुक पेज पर जाते हैं हम लोगों को कहते हैं कि लाइक कर दो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उससे हम लोग बचें, हम अपने बताएं चीज़ों को,
बट यकीन मानिएगा, इस देश में अच्छे कंटेंट की आज भी कमी है, बहुत कमी है, अच्छी स्टोरीज की बहुत कमी है। स्टोरीज हो रही हैं, काम बहुत अच्छा हो रहा है, वो स्टोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। यदि हम लोग अपने काम को, काम के साथ साथ में उसको अच्छी स्टोरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उसको पढ़ने वाले, उसको चाहने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। शुक्रिया।